दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया है कि एनडीए 2 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट किए जा चुके हैं और आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसमें फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि जब भी आप इसका फॉर्म फिल करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। इसका साइज़ वगैरह आपको सेट नहीं कर पाते, यहाँ पर एरर मैसेज ही आता रहता है कि भैया आपका साइज़ अभी सेट नहीं हो पाया है या फिर इसलिए केवीसी साइज़ की कम फोटो चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको साइज़ मतलब केवी वगैरह में कम करना है, मतलब फोटो ज़्यादा बड़ी हो रही है यहाँ पर साइज़ उसका कम करना है या फिर यहाँ पर उसके पिक्सल्स वगैरह सेट करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रॉपर मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। लेकिन यहाँ पर फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने से पहले, सबसे पहले तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में मैंने कुछ बुक्स वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इसकी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब से रिलेटेड जानकारी आती रहती है तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका साइज वगैरह सेट करने के लिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं दो सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो सॉफ्टवेयर होगा जिससे हम फाइल को पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इजीली अपने कंप्यूटर वगैरह से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी जेपीजी फाइल को, और दूसरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जो आपको बताऊंगा जिससे आपको पिक्सल वगैरह सेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं formjankari.com को। वेबसाइट को सर्च करने के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहाँ पर आपको सभी फॉर्म से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी फॉर्म चलते रहते हैं उनसे रिलेटेड जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यूजफुल फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको आना है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर बताए थे, सबसे पहले तो आपको रायट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल, जिससे आप किसी भी इमेज का पिक्सल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप जो भी विंडो का यूज कर रहे हैं 32 बिट या 64 बिट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आप पीडीएफ वगैरह में फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आपको फोटोशॉप चलाने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर फ्री है, आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा, तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम वापस आ गए हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन में फोटो अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करने है, नीचे आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ की जो भी हमने आगे सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड की स्कैनिंग फाइल अपलोड करूंगा। नीचे कुछ एक्सेप्टेबल फोटोज और नॉन एक्सेप्टेबल फोटोज की रिलेटेड जानकारी दे रखी है, तो अगर आप ऐसी कोई फोटो अपलोड करते हैं भले ही फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है तो भी आपकी फोटो एक्सेप्ट की जाएगी, लेकिन फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कोई फोटो अपलोड कर लेते हैं चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर कलर फोटो हो तो अभी आप ये फोटो एक्सेप्ट की जाएगी, बस वो फोटो मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए, और ये वाली फोटो नॉन एक्सेप्टेबल फोटोज है, यानी कि ऐसी फोटो अगर आपकी पाई जाती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ऐसे यहाँ पर एक्सेप्टेबल साइंस वगैरह की जानकारी दे रखी है, ये नॉन एक्सेप्टेबल साइंस वगैरह की जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है वो आती है फोटोग्राफ और सिग्नेचर के यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह सेट करने में और डायमेंशन सेट करने में। तो यहाँ पर फोटो से रिलेटेड जानकारी दे रखी है, आपका जो फोटो की वेथ होनी चाहिए वो 350 से लेकर और हाइट यहाँ पर 350 से लेकर मिनिमम ये दे रखा है, और यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर दे रखी है 1000 पिक्सल से लेकर वेथ और 1000 पिक्सल की हाइट होनी चाहिए, मतलब इस साइज की आपकी इसके बीच में ही आपकी हाइट और वेथ होनी चाहिए फोटो का। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नेचर की रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, साइज यहाँ पर वही दे रखा है, और जो यहाँ पर साइज होनी चाहिए केबी में वो यहाँ पर फोटो का 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसे ही सिग्नेचर का भी 20 KB से ज़्यादा का होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें पीडीएफ में अपलोड करेंगे वो यहाँ पर 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है लेकिन 300 KB से ज़्यादा का होगा तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, और 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए जो भी यहाँ पर आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल में। तो एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम फोटो को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे ये वाली फोटो को अपलोड करना है तो सबसे पहले तो इसका मुझे साइज सेट करना पड़ेगा, तो साइज सेट करने के लिए मैं यहाँ पर रायट सॉफ्टवेयर का यूज कर लेता हूँ। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, अब मैं इस पर फोटो उठा यहाँ पर रख देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कंप्रेस टू साइज, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, इसके साइड में आपको एक फोटो स्ट्रेच होती नजर आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन से आपको टिक हटाना है, और यहाँ पर आपको फोटो की वेट डालनी है और हाइट डालनी है, दोनों में आप 450 या फिर 400 डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 450 डाल देता हूँ दोनों वाले ऑप्शन में, मतलब हाइट और वेट दोनों में, और इसको ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पर साइज़ देख लें फोटो का, जो आपकी इनिशियल इमेज साइज है वो 38 KB का था लेकिन फोटो जो आप सेव करेंगे वो 8 KB की होगी, तो हमें यहाँ पर फोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा का करना है, तो मैं इसको क्वालिटी वाले ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पर इसको बढ़ा लेता हूँ। आप राइट साइड इसको स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर साइज़ बढ़ने लगेगा, 17 KB का हो गया है, 22 KB का हो गया है, तो मैं यहाँ पर और बढ़ा के 30 KB का कर लेता हूँ। इसके बाद सेव कर देते हैं इमेज को। इसी तरीके से आपको साइन का भी साइड सेट करना है, तो मैं साइन को भी ऐसे उठा के राइट सॉफ्टवेयर में रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से आपको स्ट्रेच वाली जो फोटो नजर आएगी क्लिक करना है इस पर, अगर इस पर टिक लगाओ तो इस पर से टिक हटाना है, इसके बाद यहाँ पर 450 और 450 सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर दे इसे। अब यहाँ पर फाइल को आप सेव कर सकते हैं, चाहे तो सेव एस भी कर सकते हैं जैसे कि उसमें कर सकते थे। अगर यहाँ पर इस इमेज का साइज 20 KB से ज़्यादा का नहीं होता तो आप यहाँ पर क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे साइज को बढ़ाने के लिए,
जैसे कि मैंने फोटो के लिए बढ़ाया था, लेकिन मेरी इमेज का साइज यहाँ पर सही हो रहा था, 20 के 20 ज्यादा का था, तो इसलिए मैंने क्वालिटी को नहीं बढ़ाया। इसके बाद हम फोटो को अपलोड कर देते हैं यहाँ पर और साइन को भी अपलोड कर देते हैं। नीचे आपको पीडीएफ में फाइल को अपलोड करना है, तो सबसे पहले तो हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे फाइल को, ओपन कर लेते हैं इसे। अब मुझे ये वाला सैंपल डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है पीडीएफ में कन्वर्ट करके। सबसे पहले तो मैं इसका साइज चेक कर लेता हूँ, इसका साइज 127 KB का हो रहा है। अगर आपकी इमेज का साइज यहाँ पर ज़्यादा का हो रहा है तो आप सबसे पहले रायोट सॉफ्टवेयर को उसी तरीके से यूज करेंगे, ओपन करके इसका साइज कम कर लेंगे। यहाँ पर नो कर दें, यहाँ पर इसका साइज 127 KB का हो रहा था तो 111 KB का यहाँ पर हो गया। अगर आप इसके साइज़ को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप उसी तरीके से देख लीजिएगा, 300 KB से यहाँ पर कम का साइज होना चाहिए। इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे फास्टेस्ट इमेज व्यूअर में, जो मैंने आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बताया था, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद इसमें फाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, सेव एज़ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे JPEG का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसमें सबसे लास्ट में आपको PDF फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फाइल आपकी PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नाम आप चाहें तो रिनेम कर सकते हैं फाइल को। यहाँ पर फाइल हमारी PDF में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है। इसको हम अपलोड कर लेते हैं। तो तीनों फाइल्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। अब आपको अपलोड वाला भी बटन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपके सामने सैंपल्स वगैरह बन के आ जाएंगे। अगर आपके सामने सैंपल्स नहीं बन के आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी फाइल अभी अपलोड नहीं हुई, यहाँ पर कुछ एरर मैसेज आ रहा होगा। तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं इस वाली को, और अच्छे से प्रोसेस करके यहाँ पर फोटो साइन और साथ में डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उस पर मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैंने लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करने में समस्या आ रही है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है कैसे आपको इसके फॉर्म को फिल करना है।